जी हाँ, वेलकम बैक टू द वाई फाई ज्ञान। तो आई दोस्तों, बात करते हैं यहाँ 6 अप्रैल 2020 दिन सोमवार के सुबह सुबह की ताजा एवं बड़ी खबरें आपके लिए निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों, आज की हमारी बड़ी खबर में हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए बहुत ही यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि आज की हमारी बड़ी खबर में हमारी केंद्र सरकार ने आपके रेल यात्रियों के लिए बहुत ही यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किया है। और दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही यहाँ पर अच्छी राहत दी है। आपको बता दें कि हमारे लॉकडाउन के दौरान आपके जितने भी यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर है उसको आप फ्री में भरवा सकते हैं, वो भी पर 3 से 8 सिलेंडर को। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दी है। अगर दोस्तों आपके घर में भी यहाँ पर कोई बच्चा है जो कि यहाँ पर 1 से 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उन सभी यहाँ पर छात्रों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर अच्छी खबर जारी की है। और साथ ही साथ अगर आपका ICICI बैंक में खाता है, तो सभी यहाँ पर ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर अच्छी खबर को जारी किया गया है। तो आइए, आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों एवं यहाँ पर हलचलों पे नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में वाहनों को लेकर जारी हुआ बड़ा निर्देश, बाइक कार में इतने से अधिक बैठने पर होगी सीज की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में यहाँ पर कोई बाइक है या आपके यहाँ पर फोर व्हीलर है ना, तो सभी यहाँ पर बाइक और यहाँ पर फोर व्हीलर के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर जिले में लॉकडाउन के पूरी तरह से यहाँ पर सफल होने का दावा किया है। और दोस्तों, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर संवेदनशील और यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले संभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और वही दोस्तों, यहाँ पर काला बाजारी व यहाँ पर जमाखोरी करने वालों पर भी यहाँ पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो इन्हीं सभी को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी आपके घर में यहाँ पर बाइक है या फोर व्हीलर है ना, तो अगर आप केंद्र सरकार के नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर सजा भी हो सकती है। यानी कि आपको एक सरल भाषा बता दे कि अगर आपने सरकार के नियमों को तोड़ा तो आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में यहाँ पर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो आप सरकार के नियमों का भरपूर पालन कीजिए, आप सरकार के नियमों को बिल्कुल भी यहाँ पर मत तोड़िए। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अभिभावकों को राहत, जून तक फीस नहीं लगे कॉन्वेंट स्कूल, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी हमारे यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है ना, यानी कि 1 से लेकर जितने भी यहाँ पर 8 तक यहाँ पर आपके कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, उसमें जो आपका यहाँ पर फीस लगता है बच्चों का, वो यहाँ पर जून तक आपका फीस नहीं लिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे जितने भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद है ना, उसको देखते हुए दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा यहाँ पर नया नियम ऐलान कर दिया है कि जितने भी यहाँ पर जून तक आपका फीस है, उन सभी यहाँ पर फीस को हमारी केंद्र सरकार माफ कर रही है जितने भी यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ पर छात्र है। यानी कि आपको एक सरल भाषा में बता दें कि जितने भी यहाँ पर 1 से 8 तक यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल के छात्र है, उनके लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही कि आप अप्रैल से लेकर जून तक आप फीस नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी यहाँ पर कोई बच्चा है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो इतनी बात मुझे नीचे कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि टाटा स्काई ऑफर्स, लॉकडाउन में बिना रिचार्ज करवाए देख सकेंगे टीवी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी यहाँ पर टाटा स्काई का यहाँ पर डीटीएच है ना, तो सभी यहाँ पर टाटा स्काई के डीटीएच वालों के लिए बहुत यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हमारे लॉकडाउन को देखते हुए हमारे टाटा स्काई कंपनी ने जितने भी यहाँ पर पैसे वाले चैनल है ना, उसको यहाँ पर फ्री कर दिए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब से आप बिना डीटीएच को यहाँ पर रिचार्ज करवाए आप बहुत यहाँ पर आसान तरीके से अपने टीवी को देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अगर आप भी यहाँ पर टाटा स्काई यूजर्स हैं, तो कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान आपकी मदद के लिए एक खास ऑफर पेश किया है। और दोस्तों, इसके तहत आप बिना किसी यहाँ पर रुकावट के टीवी देख सकते हैं। दरअसल कंपनी अपने यूजर्स को इमरजेंसी क्रेडिट दे रही है, और दोस्तों इसका लाभ यहाँ पर वो यूजर्स यहाँ पर ले सकते हैं जो दुकान बंद होने के कारण अपना टाटा स्काई अकाउंट रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी यहाँ पर डीटीएच लगा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर टाटा स्काई का आपका यहाँ पर पैसे वाला यहाँ पर डीटीएच लगा हुआ है, तो अब से आप लॉकडाउन के दौरान बिना पैसा यहाँ पर जमा किए भी आप टीवी देख सकते हैं, वो भी बहुत यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो ये कुछ हमारी यहाँ पर नई खबर को हमारे टाटा स्काई कंपनी ने जारी कर दी है। तो ऐसे में आपके घर में कौन सा यहाँ पर डीटीएच लगा हुआ है, अपने डीटीएच का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल पर इस शर्त पर देख सकेंगे फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हमारे आने वाले 14 अप्रैल 2020 के बाद आपका लॉकडाउन का प्रबंध हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन हटने के बाद हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नए नियम लागू करने जा रही है, जिससे दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर सिनेमा हॉल में टीवी देखते हैं ना, तो हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर सिनेमा हॉलों के लिए कुछ यहाँ पर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर सिनेमा हॉल में टीवी देखते हैं, तो सभी हमारे यहाँ पर सिनेमा हॉल में टीवी देखने वालों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नए नियम, न्यू रूल्स यहाँ पर लागू किए हैं, जिसके तहत दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक सीट यहाँ पर छोड़कर बैठना होगा आपको अपने टीवी देखने के लिए। और दोस्तों, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पीवीआर के सिनेमा घरों में अगले कुछ हफ्तों तक दर्शकों को कुछ भी यहाँ पर खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे जितने भी यहाँ पर सिनेमा घरों के बगल में जितने भी आपके खाने पीने की चीज होती है ना, वो आपके अगले कुछ हफ्तों तक आपको जितने भी यहाँ पर खाने पीने की चीज है वो
यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ हमारी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आपके लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिनेमा घरों में आपको दूरी बना बनाकर बैठना होगा, और आपके जितने भी यहाँ पर सिनेमा घर के बगल में खाने पीने की चीज होती है उसको हमारी केंद्र सरकार ने बैन लगा दी है। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा यात्रा में छूट, जाने इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे रेलवे ने एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत दोस्तों अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा यात्रा में छूट। तो आखिरकार दोस्तों इसकी वजह क्या है? तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सेवा फिलहाल बंद है, मगर दोस्तों 15 अप्रैल से रेल परिचालन शुरू होने की संभावना है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी से हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री है ना, वो अभी से यहाँ पर टिकट बुकिंग करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि और यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है कि लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं अभी से यहाँ पर रेल यात्री एडवांस में यहाँ पर टिकट बुकिंग कराने में लगे हुए हैं। और दोस्तों वही यहाँ पर आलम यह खत्म है कि प्रमुख ट्रेनों में 16 से यहाँ पर 20 अप्रैल की स्लीपर और यहाँ पर एसी की सीटें फुल होने के कारण वेटिंग लिस्ट की स्थिति पहुंच गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये स्थिति तब तक है जब तक यहाँ पर रेलवे की ओर से सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली यहाँ पर छूट नहीं दी जा रही है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन यानी कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में छूट मिलती थी ना, वो यहाँ पर अब से आपको नहीं मिलेगी हमारे 15 अप्रैल 2020 के बाद। यानी कि आपको बता दें कि जितने भी हमारे यहाँ पर ट्रेन यात्रा में वरिष्ठ नागरिक सफर करते थे उनके लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नए नियम न्यू रूल्स लागू कर दिए हैं जिसके तहत दोस्तों उनके यहाँ पर टिकट में एक भी रुपया यहाँ पर कटौती नहीं की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि उज्ज्वला योजना लाभार्थी को फ्री में मिलेंगे 3 से 8 गैस सिलेंडर, शुरू हुआ प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी यहाँ पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो सभी हमारे यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लिए हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर फ्री में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिए हैं। और दोस्तों इस योजना के तहत आप 3 से 8 सिलेंडर को बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में भरवा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आखिरकार हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा यहाँ पर क्यों नया नियम निकाला है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत में अभी फिलहाल यहाँ पर लॉकडाउन जारी है। और दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के कारण देश के यहाँ पर कामगार रोजगार हो गए हैं, तो सभी हमारे गरीबों और यहाँ पर किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख यहाँ पर करोड़ के रुपए के यहाँ पर पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद उज्ज्वला स्कीम के पात्रों को 3 महीने तक बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में गैस सिलेंडर भरवाने का ऐलान कर दिए हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपके घर में यहाँ पर फ्री वाला यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से आपको गैस सिलेंडर मिला था, अगर आपके घर में यहाँ पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है ना, तो अब से यहाँ पर बिल्कुल भी आप 3 महीने तक फ्री में भरवा सकेंगे अपना गैस सिलेंडर। यानी कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी यहाँ पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन बांटे गए थे ना सभी यहाँ पर गरीबों में, तो उनके लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नई योजना निकाली है जिसके तहत दोस्तों अगर आपके घर में यहाँ पर 14.2 किलो वाला सिलेंडर है तो उसको आप 3 महीने तक बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में भरवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में यहाँ पर 5 किलो वाला गैस सिलेंडर है ना, तो उस गैस सिलेंडर को आप 3 महीने से लेकर 8 महीने तक भरवा सकेंगे, वो भी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में। तो ऐसे में आपके घर में कौन सा गैस कनेक्शन है, इतनी बात मुझे नीचे कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जैसा दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आईसीआईसी बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती, 8 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका भी यहाँ पर खाता आईसीआईसी बैंक में है ना, तो सभी हमारे यहाँ पर आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों के लिए बहुत यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आईसीआईसी बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। और दोस्तों बैंक ने बुधवार को बचत खाते में 2 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। और दोस्तों नई दरें 8 अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले दोस्तों एसबीआई और यहाँ पर पीएनबी सहित कई यहाँ पर बैंकों के सेविंग अकाउंट पर ब्याज में कटौती कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले हमारे 8 अप्रैल को जो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में आपके यहाँ पर नई दरें लागू होने वाली है ना, उससे यहाँ पर सभी आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कितना मिलेगा आपका ब्याज। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बचत खाते में 50 लाख रुपए तक यहाँ पर जमा करने पर अब यहाँ पर 3.5% के बजाय 3.25% ब्याज मिलेगा। और दोस्तों वही यहाँ पर 50 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम ब्याज पर अब यहाँ पर 3.75% मिलेगा, जो यहाँ पर पहले 4% था। यानी कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ने आने वाले 8 अप्रैल 2020 को अपने यहाँ पर कुछ नई दरें लागू करने जा रही है, जिसमें दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होगी जिससे आपको काफी यहाँ पर ब्याज अधिक मिलेगा। तो ऐसे में आपका किस सरकारी बैंक में खाता है, अपने यहाँ पर सरकारी बैंक का नाम हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपका आईसीआईसी बैंक में खाता है ना, तो सभी हमारे यहाँ पर आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी थी जो कि आज 6 अप्रैल 2020 दिन सोमवार के दिन से हमारी केंद्र सरकार की तरफ से यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया था, जिसके लिए हर एक भारतीय नागरिक को यह खबर जानना और सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि यह जानकारी हर एक भारतीय नागरिक के पास पहुंच सके और वो भी इस तमाम जानकारियों से अपडेट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद।